रीवा जिले में लगातार कोविड 19 पॉजिटिव मरीज सामने निकलकर आने के बाद पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने तेउथर तहसील अंतर्गत ग्राम चंदई गांव का निरीक्षण किया है। हम आपको बता दें कि चंदई गांव निवासी मुकुंद लाल भुरतिया को कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया था। यह युवक महाराष्ट्र में श्रमिक था, जहां से वापस आया था, जिसके बाद इसकी मेडिकल परीक्षण कराई गई थी और युवक को कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया था। पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने इस गांव का निरीक्षण किया है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरा जायजा लिया है, वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। गांव में किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिर्फ आपातकाल की स्थिति के दौरान ही गाँव में किसी को आने जाने की परमिशन दी जाएगी। इस वक्त यह सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंदई गांव से, जहां पुलिस अधीक्षक आबिद खान पहुंचे हैं। अन्य पुलिस अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस अधीक्षक ने पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, अधिकारियों को इसके संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। SP आबिद खान ने बताया कि चंदई गाँव के 10 वार्डों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। यहाँ के एक एक आदमियों पर, एक एक घरों पर नज़र रखी गई है। 5 फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं, जहां बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। आने जाने के यह रास्ते हैं, जिनको सील किया जाएगा। यहां पे 24 घंटा पुलिस मौजूद रहेगी, जो हर एक पहलू पे नज़र रखेगी। तो इस वक्त हम आपको यह सीधी तस्वीर चंदई गांव से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक आबिद खान पहुंचे हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। सुरक्षाओं को लेकर यहाँ 10 वार्डों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। 5 फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ 24 घंटा पुलिस मुस्तैद रहेगी। ये चंदई गांव में कोरोना पॉजिटिव केस जो बाहर से आया था आपकी जानकारी में, और इसके बाद से यहाँ पे जो बंदा जो आया था उसको तो आइसोलेट कर दिया गया है रीवा में। जो उसके परिवार के लोग थे उनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रीवा में किया गया है। यहाँ पे बस सतर्कता के उद्देश्य से कलेक्टर रीवा के द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है यहाँ के 10 वार्डों। तो यहाँ पे वो जो 10 वार्ड हैं उनमें किस तरह से उसको कंटेन करना है, आवक किस तरह से, जिसको एक्सेस कंट्रोल हम लोग बोलते हैं कि कोई अंदर ना आए, बाहर ना जाए, या जो भी अंदर बाहर जाए वो केवल चिकित्सकीय कारणों की वजह से जाए, वो व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित की गई है। और 5 पॉइंट्स अभी डिसाइड किए गए हैं, जहाँ पे पुलिस की व्यवस्था रहेगी। ऑलरेडी बैरिकेडिंग वगैरह यहाँ पे हो रखी है, और पॉइंट्स पे 24 घंटा पुलिस की ड्यूटी रहेगी, जिससे किसी भी समय कोई भी बाहर का व्यक्ति इस क्षेत्र में ना आ सके और यहाँ का आदमी किसी भी कारण से रात को चाहे दिन बाहर ना जा सके, ताकि इंश्योर किया जा सके कि कोई अतिरिक्त व्यक्ति जिसकी संभावना है कि कोई पॉजिटिव ना हो जाए या इन्फेक्ट ना हो जाए, वो हम लोग इंश्योर करेंगे।